गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं एंड्रावन ट्रैक पे हूँ और देख रहे हो कि मैं अपने टीम के साथ चल रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि एंड्रावन डार्क फॉरेस्ट कैसा है। आप किधर भी जाओगे बोल के जाइए, बिकॉज़ कैसा फॉरेस्ट है, आपको वॉशरूम को जाने का रहेगा। मैंने देखा नहीं आपको, ये ट्रैक जो है यहाँ के बेस विलेज है पिपरी, वहाँ से शुरू होता है और इस ट्रैक को अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये बिगनर्स लेवल के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक है, बट थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ता है क्योंकि ये पूरा ट्रैक जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा का ट्रैक है, लेकिन आज जो है मतलब हाफ ट्रैक ही होगा। रीज़न ये है कि बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस वगैरह होते हैं तो फॉरेस्ट ने मतलब कपड़े जहाँ जहाँ मतलब बोलते हैं ना जो स्टोन्स वगैरह गिरते हैं तो उस जगह से बैन किया हुआ, तो हाफ ट्रैक ही हो रहा है कुछ टाइम से यहाँ पे। और ये ट्रैक काफ़ी मतलब जो डेंस बोलते हैं कि डार्क फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है एंड्रावन को कि कुछ वक्त पहले जब पेड़ ज़्यादा थे तो सूरज की रोशनी जो होती है वो जंगल में जल्दी पहुंचती नहीं है, तो इसलिए इसको बोला डेंस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, एंड्रावन डार्क फॉरेस्ट भी कहते हैं इस नाम से। और फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और इस ट्रैक पे आने से पहले एक अच्छा सूट ज़रूर पहने। और पिछले मतलब 4-5 सालों में काफ़ी जगह चेंज हो गया, मैं खुद 8 साल के बाद जगह पे आ रहा हूँ, ऐसा सुना कि काफ़ी जगहों पे मतलब सीढ़ी वगैरह बना दिया है तो वो थोड़ा पानी अगर बढ़ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, आप सीढ़ी से जा सकते हो। और लेट्स सी, मैं अपडेट देता हूँ कि कैसे क्या है। और रास्ते में ऐसे छोटे छोटे जो स्ट्रीम रिवर जो होते हैं ना ये आपको दिखते रहेंगे जो आपके ट्रैक को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और ये देख रहे हो कि हमारी टीम आगे जा चुकी है तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस कवर करना होगा। और ये ट्रैक बिगनर्स लेवल के लिए बहुत फेमस जगह है, कोई भी कर सकता है। ये जो सामने जो रेड हाउस जो दिख रहा है ये एक्चुअली एंड्रावन का टिकट घर है और मैं दिखाता हूँ कि क्या चार्जेस है टिकट का। पहले ये तो नहीं था लेकिन अभी शुरू हो गया है फॉरेस्ट की तरफ से। और ये एंड्रावन का एंट्री पॉइंट बना दिया जो काफ़ी सुंदर लग रहा है, जैसा कि देख रहे हैं कि एंड्रावन के लिए एंट्री के लिए नॉमिनल चार्ज है जो काफ़ी सही भी है सेफ्टी के पर्पज से अगर देखा जाए तो। तो गाइड्स देख सकते हो क्या शानदार नज़ारा है, आपको लगा हमसे बोल रहे हो, कैसा है शानदार? यस, कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया। जैसा कि देख रहे हो कि युवाओं ने मोर्चा संभाल रखा है फोटो के लिए। नहीं जाए। 25 हो गया ना, 20 का वेट ऑन रॉड। 20 का तो देख रहे हो कि ऐसे रास्ते आ रहे हैं और चलते हुए जा रहे हैं, कहीं स्लिपरी भी है तो सूच का ध्यान रखें। मिष्टी दही मतलब बंगाली है, अंतरात्मा बंगाली है सबकी। देख रहे हो कि अचानक मौसम बदल रहा है, अंदर
देख रहा हूँ देख रहे हो जैसा कि ये वायर लगा हुआ है, जब बारिश होती है ज़्यादा पानी होता है तो ये वायर पकड़ के चलना होता है। बीच बीच में ऐसे पानी आपको मिलेंगे कीचड़ वाले, तो काफ़ी स्लिपरी होते हैं जगह, तो इसलिए मैं बोला कि कभी भी गुड ग्रिपिंग स्विच पहनना होता है ट्रैक पे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर बारिश ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर फोटोग्राफी करना है तो बारिश ना हो तो फिर ज़्यादा अच्छा है। तो इस जगह पे देखिए, पहले कभी पानी का फोर्स ज़्यादा होता था तो यहाँ से क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत होता था रस्सी बांधना। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट ने देखो ये ब्रिज बना दिया है इजीली क्रॉस के लिए। रास्ते में इस तरह के आपको पानी के ये मिलते रहेंगे स्टोर, तो पानी पी सकते हैं ये। तो पहले उस जगह से रास्ता क्रॉस करते थे, देख रहे हैं जैसे कि वहाँ से, अब ये इधर स्टेयर बन गया है, देख सकते हो मैं। सो देख रहे कितना शानदार ब्रिज है। और इस ब्रिज पे आते ही युवा लोग फोटो में बिजी हो जाते हैं, तो ध्यान रखें रश ना करें। और आगे एक पॉइंट है जहाँ पे लोग रिस्की पॉइंट पे जाके फ़ोटो निकालते हैं, जो ये नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट वाले मना करते हैं या ग्रुप लीडर भी, लेकिन बहुत से युवा लोग समझते नहीं इस बात को। मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। तो ये है वो जगह जहाँ से लोग चले जाते हैं फ़ोटो के लिए, और कई बार हादसे भी होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों कोई भी आदमी इस जगह पे ना जाए फ़ोटो के लिए, क्योंकि फ़ोटो के लिए जान को रिस्क में डालना अच्छी बात नहीं है। देख रहे हैं कि अभी सेकंड ब्रिज के पास हम आ गए हैं। वाह, देख रहे हो कि थोड़ा यहाँ पे पानी दिख रहा है मुझे। देख रहे हो कि ये ब्रिज है और कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो आप लोग भी कभी नहाने आए तो यहाँ पे पानी का फ्लो देख करके पानी में उतरे, नहीं तो हादसे हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा था बारिश में फ्लो बढ़ जाता है। कुछ लोग उधर भी हैं और ये देखिए पानी कैसे जाता है, देख रहे हो कि ये फोटो के चक्कर में। देखो ये कि लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की हरकत ना करें। जैसा कि ये देखिए फोटो के लिए आदमी क्या कर रहा है। तो देखिए कभी पानी का फ्लो बढ़ सकता है तो जान आपकी रिस्क में आ जाएगी, तो सीधा उस पार निकल जाओगे ये साइड पे बहते हुए। तो इस तरह की हरकत ना करें, अवॉइड करें। तो देख रहे हो कि अब हम लोग प्लेटो के पास पहुंच गए हैं। तो फिलहाल जो ट्रैक होता है हाफ ट्रैक यहीं तक होता है, क्योंकि फॉरेस्ट ने यहीं तक परमिशन दिया है। और जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया कि कुछ लोग मतलब बेवकूफ़ी हरकत कर रहे थे, तो इस तरह की हरकत ना करें पानी में जाने की, और सेफ प्लेस ज़रूर देखें। और इस तरह से मतलब किसी को भी ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि अगर कुछ हादसे हो गए तो ट्रैक बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट बंद कर देती है। तो प्लीज़ अवॉइड करें इस तरह की हरकतें, और इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें, और फ़ोटो के लिए बिल्कुल जान रिस्क में ना डालें। तो दोस्तों फाइनली मेरा हंदरबन ट्रैक कंप्लीट हुआ है फिर से। और इससे पहले भी मैं आया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन किसी और के साथ था, जाने तो अभी बात नहीं करते हैं। एनीवे आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू। और ये मेरे साथ व्यू देख सकते हो, नज़ारे।
अभी मैं इसमें थोड़ा सा इंजॉय करूँगा, मैं मतलब पानी में डुबकी लगाऊँगा, नहाऊँगा, फिर खाने की तरफ लंच करके फिर निकलना है। तो